नमस्कार, स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के 11वें पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस पाठ के सारांश एवं शब्दार्थों को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री प्रदीप तिवारी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ के सार को समझते हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, यह निबंध श्री प्रदीप तिवारी द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में लेखक ने मूक फिल्मों के बदलते स्वरूप और सवाक फिल्मों के आगमन का अति सुंदर चित्रण किया है। लेखक ने पाठ के शुरुआत में देश की पहली सवाक यानी कि बोलती हुई फिल्म आलम आरा के पोस्टर पर लिखी पंक्तियों से की है, जो इस प्रकार है। सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। प्रस्तुत पाठ में भारतीय सिनेमा जगत में आए महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित किया गया है। 14 मार्च 1931 की ऐतिहासिक तारीख को पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन हुआ। उससे पहले मूक फिल्म बनती थी, जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुआ करती थी। आगे लेखक कह रहे हैं, इस तिथि के बाद भारतीय सिनेमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी दिन भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा था, इसलिए यह महत्वपूर्ण दिन था। उस समय अवाक फिल्मों की लोकप्रियता अपने चरम शिखर पर थी। लोकप्रियता के इस दौर में सवाक फिल्मों का नया दौर शुरू हो चुका था। पहली सवाक फिल्म आलम आरा के निर्माता अर्देशिर एम ईरानी थे। उन्होंने 100 वॉट नामक सवाक फिल्म देखी और सवाक फिल्म बनाने का निश्चय किया। उन्होंने पारसी रंगमंच के नाटक के आधार पर फिल्म की पटकथा तैयार की और कई गाने ज्यों के त्यों रखे। इस फिल्म में कोई भी संगीतकार ना होने से उन्होंने उसकी धुनें स्वयं बनाई। इस फिल्म के संगीत के लिए तबला, हारमोनियम और वायलिन, इन तीन वाद्य यंत्रों का ही प्रयोग किया गया। W.M. खान इसके पहले पार्श्व गायक थे। इनके द्वारा गाया गया पहला गाना दे दे खुदा के नाम पर प्यारे गर देने की ताकत है। इस फिल्म में साउंड था। इसकी रात में शूटिंग होने के कारण कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। यही प्रकाश प्रणाली आने वाली फिल्मों के निर्माण का आवश्यक हिस्सा बनी। इससे पहले मूक फिल्मों की शूटिंग दिन में ही पूरी कर ली जाती थी। इस फिल्म से एक ओर जहां अनेक तकनीशियन और कलाकार मिले, वहीं अर्देशिर की कंपनी ने 150 से अधिक मूक तथा 100 से अधिक सवाक फिल्म बनाई। पहली सवाक फिल्म आलम आरा में हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा तथा गीत संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन ने इसे लोकप्रिय बनाया। जुबैदा इस फिल्म की नायिका थी और नायक थे विट्ठल। विट्ठल का चयन पहले नायक के रूप में किया गया था, लेकिन उर्दू ठीक से ना बोल पाने के कारण उन्हें निकाल दिया गया। तब उन्होंने न्यायालय की शरण ली। उनका मुकदमा उस समय के जाने माने वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा और वह अपना मुकदमा भी जीते। तब वे भारत की पहली सवाक फिल्म के अभिनेता बने। इसके बाद उन्होंने अनेक फिल्मों में नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। उस समय उनके साथ आलम आरा में सोहराम मोदी, पृथ्वीराज कपूर याकूल
और जगदीश सेवी जैसे अभिनेता भी थे। आगे चलकर ये अभिनेता भारतीय फिल्म उद्योग के आरंभ स्तंभ बने। आलम आरा का प्रदर्शन 14 मार्च सन 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में हुआ। यह फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस नियंत्रण से बाहर भी चली जाती थी। समीक्षकों ने उस समय इस फिल्म को भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। आगे लेखक कह रहे हैं, यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। इसे बनाने में कुल 4 महीने का समय लगा था। सामाजिक विषय पर बनी फिल्म खुदा की शान का एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। सवाग फिल्मों की शुरुआत के 25 साल बाद इसके निर्माता निर्देशक अर्दे सिर को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जब उन्हें भारतीय सवाग फिल्मों का पिता कहा गया तो उन्होंने विनम्रता से कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। सवाग फिल्मों के दौर में पढ़े लिखे अभिनेताओं की ज़रूरत महसूस की गई। अब अभिनय के साथ साथ संवाद भी बोलना पड़ता था। इस दौर में अनेक गायक अभिनेता पर्दे पर आए। इस समय अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर भी दर्शकों पर खूब पड़ रहा था। माधुरी फिल्म की नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल खूब लोकप्रिय हुई। औरतें अपनी केश सज्जा सुलोचना की तरह करती थी। यह फिल्म भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा जो कि वर्तमान में म्यांमार में है, और पश्चिम एशिया में खूब पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को भी सवाग सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि सिनेमा का नया युग शुरू हो चुका था। आइए अब इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। शत प्रतिशत पूरी तरह से, सवाग का अर्थ है बोलते हुए, विज्ञापन किसी वस्तु आदि का प्रचार करने का माध्यम, ऐतिहासिक इतिहास संबंधित, दौर समय मूक जो बोल ना सके, पटकथा फिल्म की कहानी, इंटरव्यू साक्षात्कार, संवाद बातचीत, पार्श्व गायन पर्दे के पीछे से गाए जाने वाले वाद्य, बजाए जाने वाले संगीत के यंत्र, डिस्क फॉर्म तवा सीडी के रूप में, कृत्रिम बनावटी संयोजन मिला हुआ अथवा मेल, पारिश्रमिक काम के बदले दिया जाने वाला धन, चर्चित मशहूर, समीक्षक फिल्म की कमियों एवं खूबियों के बारे में लिखने वाले, पौराणिक पुराणों से संबंधित, खिताब उपाधि, प्रचलित जो चलन में हो, प्रतिबिंब अर्थात परछाई। तो इस प्रकार जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस पाठ के सारांश एवं शब्दार्थों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आप सभी के लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।